Welcome everybody to this new lecture of our book Electrodynamics. Today we will continue our discussion on our continuous topic fields due to a moving point charge, and for this we were trying to discuss or deduce the electric field due to a moving point charge. And for this, let us see again equation number 9, second part. This is the equation number 9, second part, which gives me the electric field due to a moving point charge. And for this, I have to be deduce this gradient of scalar potential and also the time derivative of मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल. सो इससे पहले वाले लेक्चर में जो हमारे पास लास्ट इक्वेशन थी वो कुछ इस तरह की थी. सिंपली इस बात को हम बार बार रिपीट कर रहे हैं कि जो इक्वेशन नंबर 9 का सेकंड पार्ट है, दैट इज दिस इक्वेशन, ये मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड से इंट्रोड्यूस कराएगी. और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे यहाँ से चाहिए तो मुझे ग्रेडियंट ऑफ स्केलर पोटेंशियल एंड द टाइम डेरिवेटिव ऑफ मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल, ये दोनों वैल्यूज मुझे पता होनी चाहिए. और अगर ये पता है तो मैं आराम से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यहाँ से डिड्यूस कर सकता हूँ. सो ग्रेडियंट ऑफ स्केलर पोटेंशियल के ऊपर हमारा पूरा वर्क था पिछली वीडियो में. और वो जो इक्वेशन आई थी वो कुछ इस तरह की इक्वेशन थी, दैट इज दिस इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 18. दिस इक्वेशन द डेल वी, दैट इज द ग्रेडियंट ऑफ स्केलर पोटेंशियल, is equal to QC by 4 pi epsilon naught 1 upon RC minus vector R dot vector V whole cube into RC minus vector R dot vector V into vector V minus C square minus V square plus R dot A into vector A. This is the equation number 18th of our last lecture और प्रीवियस लेक्चर. तो यहाँ से हम इस इक्वेशन, हमें इक्वेशन नंबर 18 ग्रेडियंट ऑफ स्केलर पोटेंशियल से इंट्रोड्यूस करा देती है. अब जो हमारा अगला टास्क है वो है टू डिड्यूस द टाइम डेरिवेटिव ऑफ मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल. ओके, सो लेट्स स्टार्ट दैट दिस. सो अभी जो इस वीडियो का हमारा टास्क है वो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है. और इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड आउट करने के लिए हमें ज़रूरी है कि हम जो टाइम डेरिवेटिव है मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल का वो फाइंड आउट करें. सो अ सिमिलर कैलकुलेशन कैन बी डन फॉर dA by dt, दैट इज द टाइम डेरिवेटिव ऑफ मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल, दैट इज द टाइम डेरिवेटिव ऑफ इक्वेशन नंबर 2, yields us दिस टाइप ऑफ इक्वेशन. एंड दिस इज अ वेरी मच सिमिलर इक्वेशन एज वी ऑब्टेन फ्रॉम इक्वेशन नंबर 18. That is 1 over 4 pi epsilon naught dA by dt, that is time derivative of magnetic vector potential, is equals to 1 over 4 pi epsilon naught qc over rc minus r vector r dot vector v whole cube into rc minus vector r dot vector v into minus v plus ra, that is the acceleration over c, plus r by c, c square minus v square plus r dot a into R vector R dot vector A into V. So this is equation number 19, and this gives me the time derivative of magnetic vector potential. A similar calculation can be done for this type of term, that is the time derivative of magnetic vector potential. Okay, so now by putting the results as we obtained from equation number 18th and equation number 19th into the equation number 9th सेकेंड पार्ट वी हैव. अब जो 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 रिजल्ट हमने यहाँ से एक्वायर किए हैं फ्रॉम द इक्वेशन नंबर 19th एंड फ्रॉम द इक्वेशन नंबर 18th, दैट इज द इक्वेशन नंबर 18th गिव्स मी द रिजल्ट ऑफ ग्रेडियंट ऑफ स्केलर पोटेंशियल, एंड इक्वेशन नंबर 19, दैट इज दिस इक्वेशन, गिव्स मी द रिजल्ट ऑफ टाइम डेरिवेटिव ऑफ मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल. एंड व्हेन वी पुट दीज रिजल्ट्स इनटू इक्वेशन नंबर 9th सेकेंड पार्ट, we have this type of equation from equation number 9 second part, is the electric field vector, which is a time dependence electric field,
इज इक्वल्स टू माइनस डेल वी माइनस डी डेल ए बाई डेल टी ऑफ मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल. सो इफ यू सी दिस दैट इज माइनस एंड माइनस इज कॉमन फ्रॉम बोथ ऑफ द टर्म. सो माइनस इज कॉमन एंड द फर्स्ट टर्म ऑन द राइट हैंड साइड इज डेल वी प्लस डेल ए बाई डेल टी. नाउ पुटिंग द वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन नंबर 18 एंड इक्वेशन नंबर 19 एज वी गेट द रिजल्ट फ्रॉम दीज टू इक्वेशन इन टू दिस टाइप ऑफ इक्वेशन वी हैव माइनस इज सेम क्यू सी ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट. दिस इज द फर्स्ट रिजल्ट दैट इज द वैल्यू ऑफ डेल वी द ग्रेडियंट ऑफ स्केलर पोटेंशियल इज 1 ओवर आर सी माइनस आर डॉट वी होल क्यूब इंटू आर सी माइनस आर वैक्टर आर डॉट वैक्टर वी इंटू वैक्टर वी माइनस माइ ब्रैकेट सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर प्लस वैक्टर आर डॉट वैक्टर ए इंटू आर. दिस इज द वैल्यू वी ऑब्टेन फ्रॉम डेल वी. एज यू सी दैट दिस टर्म 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू सी ओवर आर सी माइनस आर डॉट वी टू द पावर 3. ये वाली जो टर्म है जो ब्रैकेटेड टर्म से बाहर कॉमन है ये दोनों एक्सप्रेशन के लिए सेम है. देखिए यहाँ भी 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू सी ओवर आर सी माइनस आर डॉट वी होल क्यूब और इससे पहला एक्सप्रेशन जो हमें इक्वेशन नंबर 18 प्रोवाइड कराती है ये वाला भी एक्सप्रेशन उसी के जैसे है 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू सी ओवर आर सी माइनस आर डॉट वी होल क्यूब. तो जो वैल्यूज हमने पुट की है वहां से इस टर्म को हमने पहले से ही कॉमन ले लिया है. तो जो इक्वेशन नंबर यहां से इक्वेशन नंबर 18 और 19 के जो रिजल्ट्स हैं जब इक्वेशन नंबर 9 सेकंड पार्ट में हमने इस इक्वेशन में हमने पुट अप किए यहां से माइनस ऑलरेडी कॉमन है और ये वाला जो फैक्टर है जो ब्रैकेटेड टर्म से बाहर है इस फैक्टर को हमने दोनों दोनों जो टर्म है हमारी दोनों जो वैल्यूज है दैट इज द वैल्यू ऑफ ग्रेडियंट ऑफ स्केलर पोटेंशियल टाइम डेरिवेटिव ऑफ मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल वहां से हमने इसे कॉमन ले लिया है. सो माइनस क्यू सी ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 ओवर आर सी माइनस आर डॉट वी होल क्यूब आ गया कॉमन. अब जो रेस्ट ऑफ द टर्म है फ्रॉम इक्वेशन नंबर 18 एंड फ्रॉम इक्वेशन नंबर 19 दोनों को हम ब्रैकेटेड टर्म के रूप में अंदर लिखेंगे दैट इज आर सी माइनस वेक्टर आर डॉट वेक्टर वी इंटू वेक्टर वी माइनस सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर प्लस आर डॉट ए वेक्टर आर डॉट वेक्टर ए इंटू आर. दिस इज द वैल्यू ऑफ दिस इज द ब्रैकेटेड टर्म वैल्यू ऑफ फ्रॉम एज वी ऑब्टेन फ्रॉम इक्वेशन नंबर 18 एंड दिस इज आर सी माइनस वेक्टर आर डॉट वेक्टर वी माइनस वेक्टर वी प्लस आर डॉट ए बाई सी माइनस सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर प्लस वेक्टर आर डॉट वेक्टर ए इंटू वेक्टर वी आर ओवर सी. दिस इज द वैल्यू एज वी ऑब्टेन फ्रॉम द ब्रैकेटेड टर्म ऑफ इक्वेशन नंबर 19. दिस इज द लास्ट टर्म एंड वी कैन सी दैट हेयर इज द पॉजिटिव साइन बट यू कैन सी हेयर दिस इज द निगेटिव साइन हेयर. Why? Because negative negative gives me this positive. Okay, and vector v into r over c here is vector v into r over c. So the last term is just little bit modified. Okay, and the rest of the term is same. Only the last term of bracketed value of equation number 19 is just modified. Okay, so this is the value of electric field due to a moving point charge. Okay, now qc over 4 pi epsilon naught 1 over rc minus vector r dot vector v to the power whole cube ye wali term dono mein se common hai bracket term se bahar hai. Ab ye wala term jo hai rc minus vector r dot vector v into vector v ye same raha माइनस सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर प्लस वेक्टर आर डॉट वेक्टर ए इंटू वेक्टर आर ये वाली टर्म सेम रही. अब इस टर्म की मल्टीप्लाई हमें इस टर्म के साथ करनी है क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई में है टर्म. तो जब माइनस वी वेक्टर की मल्टीप्लाई इस टर्म के साथ होगी तो इस माइनस और इस प्लस का रिजल्ट आएगा माइनस और वी वेक्टर की मल्टीप्लाई पूरी इस टर्म के साथ होगी तो ये टर्म बनेगी वेक्टर वी इंटू दैट टर्म आर सी माइनस वेक्टर आर डॉट वेक्टर बी. ओके, अब इस टर्म की मल्टीप्लाई फिर से इस पूरी टर्म के साथ होगी
ठीक है, तो इस टर्म की मल्टीप्लाई फिर से इस टर्म के साथ होगी, तो इस पूरी टर्म की मल्टीप्लाई जब इस टर्म के साथ होती है तो हमारे पास जो टर्म बनती है वो इस कुछ इस तरह की होती है, दैट आर सी माइनस वेक्टर आर डॉट वेक्टर वी, दिस टर्म इज मल्टीप्लाइड बाई दिस टर्म दैट इज वेक्टर आर वेक्टर ए बाई सी, एंड द रेस्ट ऑफ द टर्म इज सेम, दिस टर्म इज सेम। तो यू कैन लुक एट द फर्स्ट ब्रैकेटेड टर्म एंड द थर्ड ब्रैकेटेड टर्म, दीज आर इक्वल एंड अपोजिट क्वांटिटीज, और दीज आर इक्वल एंड अपोजिट टर्म्स, ओके, सो दीज आर कैंसिल्ड विद ईच अदर, ओके, दिस टर्म आर सी माइनस वेक्टर आर डॉट वेक्टर वी इनटू वेक्टर वी, लुक एट दिस, एंड दिस इज द पॉजिटिव टर्म, एंड विद नेगेटिव टर्म दैट इज वेक्टर वी आर सी माइनस वेक्टर आर डॉट वेक्टर वी, सो दिस टर्म इज कैंसिल्ड विद दिस टर्म, एंड वी हैव लेफ्ट विद रेस्ट ऑफ द टर्म इज दिस टर्म, ओके। नाउ लुक एट दीज टू टर्म्स, सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, द अंडरलाइन टर्म्स, दीज टू टर्म्स, द अंडरलाइन टर्म्स, दिस टर्म हैव सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर प्लस आर डॉट ए, द ब्रैकेटेड वैल्यू इन टू वेक्टर आर, एंड दिस टर्म द फर्स्ट वैल्यू इज सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर प्लस आर डॉट ए, हियर इज सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर प्लस आर डॉट ए इज सेम फैक्टर, सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर प्लस आर डॉट ए सेम फैक्टर, तो फ्रॉम दिस टर्म द लास्ट टर्म एंड द सेकेंड टर्म यू कैन इजिली सी दैट सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर प्लस आर डॉट ए इज द कॉमन टर्म, सो दिस टर्म इज कमिंग कॉमन आउट, एंड दिस टर्म इज, ऑल्दो दिस इज माइनस टर्म बट यू कैन सी दैट दिस इज द माइनस विच इज ऑलवेज कमिंग फ्रॉम द एक्सप्रेशन, एंड हियर इज इट इज रिमूव्ड, वाई रिमूव्ड, बिकॉज द माइनस टर्म माइनस साइन इज कमिंग आउट फ्रॉम द ब्रैकेट, एंड दैट्स वाई दिस टर्म विल बी पॉजिटिव, दिस टर्म ऑल्सो बी पॉजिटिव, एंड दिस टर्म विल बी नेगेटिव, ओके, सो द माइनस इज कॉमन फ्रॉम द होल ऑफ द टर्म्स, एंड बिकॉज ऑफ दैट माइनस दिस माइनस इज पॉजिटिव हियर, ओके, सो सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर प्लस वेक्टर आर डॉट वेक्टर ए इज द कॉमन टर्म फ्रॉम दिस टर्म एंड दिस टर्म, सो दिस इज द कॉमन टर्म, एंड वी हैव लेफ्ट विद वेक्टर आर फ्रॉम दिस टर्म एंड माइनस वेक्टर वी आर बाय सी फ्रॉम दिस टर्म, ओके, सो दिस टर्म, एंड विद माइनस साइन बिकॉज ऑफ द कॉमन ऑफ नेगेटिव साइन this term will be negative, and rc minus vector r dot vector v into r vector a by c, rc minus vector r dot vector v r vector a by c, this is the same term, okay, so this is equation number 20, this is equation number 20, okay. Now introducing a vector u, this is a very important term, ये हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि देखिए ये जो एक्सप्रेशंस है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू है, ऑल्दो ऐसा भी हम कर सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 20 को हम ऐसे ही छोड़ दें और हम कह दें कि दिस इज द फाइनल वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन आगे के जो एक्सप्रेशंस हैं, अभी हमें मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कैलकुलेट करना है, उसके बाद फिर फोर्स की वैल्यू हमें यहाँ से कैलकुलेट करनी है, तो थोड़ा सा मॉडिफाइड करने के लिए, थोड़ा सा अच्छा लिखने के लिए, और यही नहीं है, इसके बाद के जो टॉपिक्स हैं, जो रेडिएशन की तरफ हम बढ़ेंगे अगले लेक्चर्स में, तो वहाँ भी आप देखेंगे कि इस टर्म का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए इस फैक्टर को इंट्रोड्यूस कराना यहाँ ज़रूरी हो जाता है। इवन जब आप लार्मोर फॉर्मूला पढ़ेंगे, और लार्मोर फॉर्मूले का जो लिनार्ड ने जनरलाइजेशन किया, वहाँ आप देखेंगे वहाँ भी ये टर्म यूज हो जाती है इन अवर कमिंग लेक्चर्स, ओके, सो लेट अस इंट्रोड्यूस अ वेक्टर यू सच दैट दिस वेक्टर हैज द फॉर्म दैट सी आर कैप माइनस वेक्टर वी, सो दिस इज द इक्वेशन नंबर 20th फर्स्ट पार्ट, ओके। Now,
taking the dot product of this vector quantity with vector r, the curly vector r. Okay, so ये आपको बहुत familiar है इस term से, आप ये आप जानते हैं कि that is the position vector of the source point to the field point. Okay, और moving point charge में आप ये जानते हैं कि इसकी value definite नहीं रहती है, क्योंकि वो time varying इस सोर्स या करंट कॉन्फ़िगरेशन होते हैं, तो इस कारण ये जो करली आर है ये फिक्स वैल्यू नहीं होती, नहीं तो स्टैटिक केस में ये वैल्यू फिक्स रहती है, इसलिए हम आसानी से इसको इंटीग्रेशन समेशन या दूसरे ऑपरेशन से बाहर लेके चले जाते हैं. लेकिन यहाँ ये वैल्यू फिक्स नहीं है, इसलिए इसका आप कहीं भी इंटीग्रेशन करेंगे, समेशन करेंगे, दूसरे ऑपरेशन करेंगे, वहां से ये वैल्यू बाहर नहीं आती है. तो ये जो वेक्टर हमने इंट्रोड्यूस करा है जिसकी फॉर्म कुछ इस तरह की है, दैट इज वेक्टर u इज इक्वल्स टू सी आर कैप माइनस वेक्टर v, एंड दिस इक्वेशन नंबर 20 फर्स्ट पार्ट. तो अभी हम क्या कर रहे हैं कि इस वेक्टर के साथ वेक्टर कर्ली r का डॉट प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करा रहे हैं. ओके, और जब हम ये डॉट प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करा रहे हैं तो होगा क्या कि जब वेक्टर r डॉट वेक्टर u होगा तो वेक्टर r का डॉट प्रोडक्ट इसके साथ भी जाएगा. देखिए होगा क्या कि जब वेक्टर r का डॉट प्रोडक्ट यहाँ जाएगा तो यहाँ बनेगा वेक्टर r इंटू आर कैफ विच गिव्स मी द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर r. सो दिस टर्म विल बी आर सी आर वेर वेर दिस आर इज कमिंग फ्रॉम दिस आर इज कमिंग बिकॉज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर r into the vector r cap, and this will be magnitude of r. And when vector r is dot product with vector v, this term will be vector r dot vector v, and say this is the equation number 20th second part. Okay, now also see that this form c vector r माइनस वेक्टर वी इंटू आर, इस तरह की एक फॉर्म है. तो इसको क्या मैं कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ, देखिए यहाँ से मैंने वेक्टर आर का जो मैग्नीट्यूड है वो कॉमन आउट कर दिया है, तो ये वाली जो टर्म है नेगेटिव के साथ ये तो एज इट इज आ गई. लेकिन यहाँ से जब मैं मैग्नीट्यूड को बाहर लूंगा तो ये क्या बचेगा, यहाँ केवल इसकी डायरेक्शन बचेगी, और डायरेक्शन को हम दिखाते हैं आर कैप से. तो सी के साथ डायरेक्शन बची और वी से पूरा का पूरा ये मैग्नीट्यूड बाहर आ गया. तो एक्चुअली ये वाली जो टर्म है उसको मैं कुछ इस तरह भी लिख सकता हूं, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, देखिए ये वाली टर्म है, और ये कोई अटेंडम लिखी हुई टर्म्स नहीं है कि ये कैसे लिख दी, ये रिसर्च के बाद लिखी हुई टर्म्स है. तो आप ऐसा मत समझे कि ये टर्म्स आ कहां से रही है, ये वेक्टर यू इंट्रोड्यूस कहां से हो गया, इसकी जब जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो आपको इसकी अहमियत का, इसकी इंपॉर्टेंस का पता लगेगा कि वेक्टर यू का यही फॉर्म क्यों कंसीडर किया गया, यही फॉर्म क्यों लिया गया. ओके, जैसे बहुत अभी हम जो पहले वाले लेक्चर्स में स्टडी करके आए हैं तो हमें बहुत सारे ऐसे टॉपिक वहां देखने को मिले कि हाँ, जैसे हमारे पास डीएल एम्बर्सियन ऑपरेटर था, तो डीएल एम्बर्सियन ऑपरेटर में हमने गेज कुलम गेज और लॉरेंस गेज की जो फॉर्म थी, तो किसी भी पर्टिकुलर फॉर्म को जब इंट्रोड्यूस कराया जाता है तो उसके पीछे रीजंस होते हैं, उसके पीछे रिसर्च होते हैं. तो वही कारण है कि इस तरह की फॉर्म को क्यों इंट्रोड्यूस कराया गया, डीएल एम्बर्सियन ऑपरेटर वैसा ही क्यों था, उसकी फॉर्म कहती कुलम्ब गेज और लॉरेंस गेज की फॉर्म ऐसी ही क्यों होती है, तो ये सब रिसर्च के बाद लिखी हुई बातें हैं. सो वेक्टर यू को कुछ इस तरह से इंट्रोड्यूस कराया गया, उस वेक्टर यू का डॉट प्रोडक्ट रिड्यूस किया गया, एंड दैट इज गिवन बाय इक्वेशन नंबर 22nd पार्ट. और फिर से कोई एक और फॉर्म यहां से इंट्रोड्यूस कराई गई, और ये फॉर्म कोई अलग फॉर्म नहीं है. देखिए हम चूंकि इस
इक्वेशन नंबर 20th को ने जो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू दिया है उसको हम थोड़ा सा सिंपलीफाई करना चाह रहे हैं, और कोई ऑब्जेक्ट नहीं इन वेक्टर्स क्वांटिटीज को या इन टर्म्स को इंट्रोड्यूस कराने का। इस वाली टर्म को, इस वाली इक्वेशन को थोड़ा सा हम सिंपलीफाई फॉर्म में लिखना चाह रहे हैं, बाकी और कोई इसका मोटिव नहीं है। आप इस वाली टर्म को अगर ध्यान से देखें तो यहाँ देखिए इस ब्रैकेटेड टर्म को, जब सी का मल्टीप्लाई इस वेक्टर के साथ होगा तो दिस टर्म विल बी सी आर वेक्टर माइनस वी वेक्टर इंटू आर। लुक एट दिस टर्म नाउ, सी वेक्टर आर माइनस वेक्टर वी इंटू आर, दिस टर्म इज सेम। तो हमें क्या करना है कि हम इस टर्म को ऐसे ही इंट्रोड्यूस नहीं करा रहे, इनके पीछे रीजंस हैं। तो इस टर्म को मैंने कैसे लिखा, सी वेक्टर आर माइनस वेक्टर वी इंटू R, that is the magnitude of R, magnitude of R को मैंने यहाँ से कॉमन आउट कर दिया, तो यहाँ बचा direction of R, that is C, R cap minus V, और इस टर्म को आप अब जो ब्रैकेटेड टर्म है उसको ध्यान से देखिए, ये वाली टर्म को ध्यान से देखिए, ये वाली टर्म क्या ये नहीं है, ये टर्म नहीं, जैसे देखिए क्वेश्चन नंबर 21st पार्ट, C R cap minus V, C R cap minus V, तो दिस टर्म विल गिव मी द वेक्टर U, एंड दैट्स व्हाई दिस टर्म कैन बी राइट एज R, दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ R इनटू वेक्टर U। तो C R वेक्टर माइनस वेक्टर V इनटू R इज इक्वल्स टू R वेक्टर U, एंड दिस द इक्वेशन नंबर 20th थर्ड पार्ट। ओके, सो ये पूरे के पूरे सब्स्टिट्यूशन अब हमें इक्वेशन नंबर 20th में करने हैं, और उसके बाद जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आएगा दैट इज द फाइनल वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ मूविंग पॉइंट चार्ज। ओके, सो लेट अस लुक एट हियर दिस, वी कैन रीराइट इक्वेशन नंबर 20th एज क्यू सी over 4 pi epsilon naught 1 over RC minus vector R dot vector V to the power whole cube C square minus V square, okay, C square minus V square into C R cap minus V, so C R vector minus V vector R into C। कैसे लिखा, यहाँ देखिए ये इक्वेशन नंबर 20th। आपने क्या किया, ये जो पहले वाली सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर है, पहले इस टर्म में इसको एक टर्म कंसिडर किया और इस टर्म में इस टर्म की मल्टीप्लाई कर दी, दैट इज दिस टर्म विल बी सी आर वेक्टर माइनस वेक्टर वी इंटू आर ओवर सी। ओके, तो ये टर्म की मल्टीप्लाई पहले सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर इस वाले फैक्टर में की, इस वाले फैक्टर में, ठीक है, और फिर जो रेस्ट ऑफ द फैक्टर है दैट इज वेक्टर आर डॉट वेक्टर ए, फिर से इसकी मल्टीप्लाई किसके साथ होगी, सी आर वेक्टर माइनस वी वेक्टर आर ओवर सी के साथ, ठीक है। फिर ये किया हमने, और जो ये थर्ड टर्म है इसको हम एज इट इज रखेंगे, इसका भी रीजन है। तो जो इक्वेशन नंबर 20th को जब हम रीराइट करते हैं तो कुछ इस तरह की फॉर्म हमें मिलती है, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर E इज इक्वल्स टू क्यू सी ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 ओवर आर सी माइनस वेक्टर आर डॉट वेक्टर वी टू द पावर होल क्यूब इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर सी आर कैप माइनस वेक्टर वी इंटू आर ओवर सी, दिस टर्म इज मल्टीप्लाइड बाई दिस टर्म एंड द रेस्ट ऑफ द टर्म इज वेक्टर आर डॉट ए इंटू सी आर कैप माइनस वेक्टर वी C R vector minus V vector V into R over C, and the third term with negative sign is R C minus vector R dot vector V into vector R R vector A by C. Okay. Now look at the denominator in the bracketed term. C C and C. All these terms, first term, second term, and third term, have denominator the value C. So 1 over C is coming from the all of the terms. Okay.
क्यू सी बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज एज इट इज 1 ओवर RC माइनस वेक्टर आर डॉट वेक्टर वी टू द पावर होल क्यूब इज एज इट इज एंड 1 ओवर C इज कमिंग आउट फ्रॉम ऑल ऑफ द टर्म्स. ओके सो सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर इंटू सी आर वेक्टर माइनस वेक्टर वी इंटू आर दिस टर्म इज द फर्स्ट टर्म बिकॉज सी इज कमिंग आउट ऑफ द ब्रैकेट सो दिस टर्म विल बी सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर एंड